3:59 PM and we are done for the day. So today the loss is around 4,716. So you can see in our broker terminal also the loss is around that amount. ये closing balance के difference के कारण हुआ है. I'll explain you क्यों ये difference है छोटा सा. So इधर similar loss है. तो अब हम देखेंगे हमारी strategy कैसे perform करें. Actually हम आज के दिन हमारा quarterly settlement हुआ तो आप देखेंगे हम लोग ने बहुत ही कम actually capital use किया था आज. Okay? तो जैसे हम लोग तीन strategy ये तीन 1, 2, 3 ये तीन स्ट्रेटजी तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए आज एंड बाकी सब के भी मल्टीप्लायर बहुत ही कम रखे थे. ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस कैसे हुई. तो आज हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय में जाएंगे. तो ये तो स्ट्रेटजी हमने परफॉर्मेंस की नहीं. आज हमारा बैंक निफ्टी लिमिटेड कैपिटल छोटे से लॉस में क्लोज हुआ. ओके, फिर हमारा बैंक निफ्टी डायनामिक अर्नर भी छोटे से लॉस में क्लोज हुआ. देन बैंक निफ्टी थीटा अर्नर को स्टॉप लॉस हुआ आज. ठीक है, वो स्टॉप लॉस पे क्लोज हुआ. फिर हमारा निफ्टी एग्रेसिव अर्नर यूज़ नहीं किया क्योंकि वो क्वार्टरली सेटलमेंट था. निफ्टी डायनामिक अर्नर आज हमारा टारगेटेड हुआ. आज निफ्टी स्टडीज ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. फिर पैसिव इनकम अर्नर लिमिटेड कैपिटल ने छोटा सा लॉस किया. ओके, देन वी लुक एट पीएनएलसी कंजर्वेटिव आज यूज़ नहीं किया हमने. निफ्टी थीटा अर्नर ने छोटे से प्रॉफिट में क्लोज कर दिया. एंड ये हम लोग की नई स्ट्रेटजी है ओवरनाइट अर्नर. अब तक एल्गोरिथम कैपिटल में ओनली हम लोग इंट्राडे स्ट्रेटजी रखते थे, पर ये फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी जो आई है वो ओवरनाइट अर्नर. तो इसके कारण ये बैलेंस है ना, ये मैच नहीं करते. ये क्योंकि पोजिशन ओपन है ना, तो कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे प्राइजेस में हो जाता है. तो ये चीज़ उसके कारण पी एन एल में थोड़ा डिफरेंस आया. तो ये हमारा ओवरनाइट अर्नर है और इसके हमने 6x मल्टीप्लाई लगाया है. और ये हमारी नई स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग ये आयन बेसिकली आयन फ्लाइट रहती है निफ्टी और बैंक निफ्टी का. ठीक है, आज की हम मार्केट देखते हैं. तो आज की मार्केट देखेंगे हम
तो आज ठीक है तो था ही नहीं बिल्कुल. सो ओपनिंग प्रीमियम वॉज 810 रुपीज़, पर आप क्लोजिंग देखो यूजुअली एवरी डे डीके होता है, प्रीमियम कम होता है, पर आज तो एक तो डीके 50 पॉइंट्स बढ़ गए प्रीमियम में, और सेकेंड चीज़ डेल्टा मूव भी आया नीचे. ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के लिए बहुत ही टफ रहता है ये सब. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं. तो आज क्या हुआ, आज गैप डाउन हुआ. ओके, तो जब गैप डाउन हुआ तो देखेंगे कल हाई, कल के हाई से बेहतर एक तो अनएक्सपेक्टेड था आज का 1.5% अराउंड गैप डाउन हुआ. फिर हमको स्ट्रैडल मिला इस स्ट्राइक पे 36,400. अभी फिर देखना मार्केट वही रेंज में घूमी थी, इधर तक हम बहुत सही चीज़ चल रहे थे और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट था, पर डीके बहुत ही कम था. फिर ये पॉइंट के बाद मार्केट नीचे वन वे गई, और जब वन वे गई प्रीमियम बढ़े तो लॉस भी थोड़ा बढ़ा. ऑल दो स्टॉप लॉस जितनी हुआ फुल्ली, पर फिर भी हम लोग का जो ऑल हमारी स्ट्रेटेजी सब ग्रीन में चल रहे थे, थोड़े स्ट्रेटेजी रेड में आ गए. ठीक है, ये हुआ बैंक निफ्टी में. सिमिलरली निफ्टी में हमको मिला 250 का स्ट्राइक. तो जब 250 का स्ट्राइक मिला तो आप मार्केट देखे, मार्केट यहाँ घूम रही थी ऊपर गई, ऑल दो फाहर थी पर वो रेंज बाउंड थी, तो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही थी. फिर ये पॉइंट पे जब इधर आया ना निफ्टी डायनेमिक और सबका प्रॉफिट बुक हो गया, फिर मार्केट नीचे गिरी, तो फिर वो थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े ज्यादा क्लोज हुआ. सो निफ्टी स्ट्रैटेजी ने आज अच्छा सपोर्ट किया. ऑल दो प्रीमियम का डीके देखेंगे हार्डली 9 पॉइंट्स आज का, तो डीके तो बिल्कुल था ही नहीं. ओके, तो ये आज हमारा. अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारी. ओके, सो अब हम जाके देखेंगे हमारी ये स्ट्रैटेजी निफ्टी डायनेमिक. सो निफ्टी डायनेमिक देखो, तो निफ्टी डायनेमिक है ना बहुत ही वही स्टेबल स्ट्रैटेजी. तो क्या होता है, कभी बैंक निफ्टी परफॉर्म होता है, कभी निफ्टी परफॉर्म होता है, तो आप दोनों में अगर अपना डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो आपको बहुत ही स्मूथ आपकी जर्नी रहेगी, और रोज ना बड़ा एमटीएम आएगा प्रॉफिट, ना छोटा बड़ा लॉस आएगा, तो बहुत ही स्मूथ जर्नी रहेगी. तो जिनके पास कम कैपिटल है, देखो ये निफ्टी डायनेमिक करने में जाएंगे तो कैपिटल रिक्वायर्ड इज ओनली 1,20,000. तो जिनके पास थोड़ा कम कैपिटल है उनको थोड़ा ज्यादा सेफ चाहिए, तो निफ्टी डायनेमिक स्ट्रैटेजी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. जिनका देखो टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिव है, 800-2,000 के बीच में टारगेट है, और स्टॉप लॉस भी देखो 1,200 रुपीज़ है. आप इसकी बैक टेस्ट रिपोर्ट भी जाके देखोगे तो इसका ड्रॉडाउन काफ़ी ही लिमिटेड है. इसका ड्रॉडाउन देखो 3.77%. अभी आपको जो स्ट्रैटेजी हर महीने देखो रिटर्न देखो बैक टेस्ट में इतने अच्छे रिटर्न दे रहे, 3%, 12%, 9%, 8%, और ड्रॉडाउन सिर्फ 3%, 3.77 मतलब 4% गिन सकते. तो ऐसी स्ट्रैटेजी सेफ प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, और ये निफ्टी में है तो निफ्टी में कम वॉलिटिलिटी रहती है बैंक निफ्टी से. ओके, और अब हमारे एल्गोलेज कैपिटल लाइफ के पीएनएल समरी में जाएंगे तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इसके पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस किए. जैसे ये मंथ देखो इतना टफ मंथ है, फिर भी इसके रिटर्न देखो 3.33%, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली ये इतने टफ मंथ में, और ये बहुत ही कम ट्रांजेक्शन देती है. अब इसका देखोगे देखो इधर भी लास्ट मंथ भी इसने कितना रिटर्न दिया था, 3.9 मार्च में 15 डेज के लिए, सिर्फ 16 मार्च से लॉन्च हुई थी, 15 डेज में 3.98% है, ये मंथ में भी 3. तो इतना अच्छी स्ट्रैटेजी है, और इसके ट्रेड्स भी देखेंगे हम, देखो ट्रेड्स भी इतने कम लेती है स्ट्रैटेजी निफ्टी डायनेमिक करना 100 ट्रेड्स पर मंथ, तो आपका ब्रोकरेज भी बहुत कम होगा. तो आप ये स्ट्रैटेजी के लिए फॉर श्योर ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आप हमारे IIFL रेफरल में खुलाएंगे या LSBU के रेफरल में खुलाएंगे तो आपको ये 5% प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं करना पड़ेगा, और IIFL रेफरल में 5 रुपीज पर लॉट, ओनली 5 रुपीज पर लॉट में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, सॉरी मतलब आप ट्रेड कर सकते हो. अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी ये आपको ये पसंद आया कि आपको सब्सक्राइब करना है ये स्ट्रैटेजी को, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो में जाके देखो. हम जैसे अभी पकड़ते हैं ये बैंक निफ्टी डेटा, तो हमारे कोई भी यूट्यूब वीडियो में जाएंगे आप. ओके, तो आप नीचे के पेज में जब नीचे ये प्योरली नॉट देखो नीचे आप नीचे जाओगे. ओके, तो इधर आप देख सकते हैं हमारी यू कैन सब्सक्राइब टू अदर स्ट्रैटेजी, ये तो ये क्लिक करोगे स्ट्रैटेजीज में तो हमारी सब स्ट्रैटेजीज आ जाएगी जो भी हमारी ट्रेडट्रॉन लिस्टेड है, और आप आपके हिसाब से जो आपको पसंद आए आप खोल के बैक कर सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होप आपका भी प्रॉफिटेबल डे रहा हो आज, एंड विल मीट यू ऑन मंडे.